अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने जो मोबाइल की एप्लीकेशन है उसे कैसे हाइड कर सकते हैं। वीवो के कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जिनमें ऐप को हाइड करने के लिए फीचर मौजूद नहीं होता, तो उसको हाइड करने के लिए हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीवो के जो ज़्यादातर मोबाइल हैं उनमें जो सिक्योरिटी ऑप्शन होता है उसमें सिर्फ हम ऐप को लॉक लगा सकते हैं और उसे हाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए आज हम आपको सिखाएंगे कि आप वीवो के मोबाइल में भी आसानी से कैसे सारी ऐप को या जिन ऐप को आप चाहते हैं हाइड कर सकते होते हैं। तो ऐप को हाइड करने के लिए हम इन दो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, एक का नाम है डीसी लॉन्चर और दूसरा का नाम है ऐप हाइड। तो सबसे पहले हम डीसी लॉन्चर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एरो वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद हमारे पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है वह इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे सेट वाला ऑप्शन शो हो रहा है इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे जो मोबाइल की सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये गॉट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो होम स्क्रीन ऐप है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप बाई डिफ़ॉल्ट डीसी लॉन्चर को सिलेक्ट कर लेंगे, को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दें और उसके बाद फिर वापस होम स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर इसे सिंपली अनेबल कर देंगे तो ये हमारा जो डीसी लॉन्चर है वो मोबाइल में इंस्टॉल हो के अनेबल हो चुका है। और उसके बाद हम दूसरी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे और आपको एप्लीकेशन जो है वो हाइड करके दिखाएंगे। तो एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए यहाँ पर हम ऐप हाइड वाला जो एप्लीकेशन इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर ये तो वो तमाम एप्लीकेशन शो हो जाएगा जो हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हैं। तो जिस एप्लीकेशन को हम यहाँ से हाइड करना चाहते हैं उस ऐप को यहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे हाइड वाला बटन शो हो रहा है इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे जो हाइड वाला बटन है इस पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन जिनको मैंने हाइड किया था वो यहाँ पर आ चुकी हैं। उसके बाद मज़ीद भी हम एप्लीकेशन को बाद में भी ऐड करना चाहते तो फिर भी हम प्लस वाले बटन पर क्लिक करके उन एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जिन एप्लीकेशन को मैंने वहाँ पर हाइड किया था तो वो यहाँ पर शोर नहीं हो रही। तो ये तो सिंपल सा तरीका जिसके ज़रिए हम अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं वीवो के मोबाइल में, जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐप हाइड करने का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। तो अगर इन ऐप्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ पर क्लिक करके आप इन दोनों ऐप को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।